तो गाइस ये वही जगह है जहाँ से हमारे भगवान बिरसा मुंडा लड़ाई करते थे, वो भी अंग्रेजों के साथ। चेक करो यार, बहुत ज्यादा हवा चल रहा है, मेरा बहुत सब लोगों को पहुँच रही, नहीं पहुँच रही। कितना ब्यूटीफुल प्लेस है यार, देख सकते हो गाइस आप लोग। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ एकदम सीधा चढ़ान वाला रोड है, और अभी हम लोग तीन को ही बैठे हुए हैं अपनी डेजी के साथ, और अभी बाइक बहुत ही मुश्किल से चल रही है इस पहाड़ पे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं डोमारी बुरू पे, और ये जगह ऐतिहासिक स्थल है, जैसे कि हमारे जो भगवान है बिरसा मुंडा, वे यहीं से लड़ाई करते थे अंग्रेजों के साथ। तो हम लोग इस जगह पे आज आने वाले हैं और यहाँ का पूरा दृश्य दिखाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग बने रहे इस ब्लॉग में। ये वाला गेट में घुसने के बाद बहुत दूर जाना पड़ेगा, फिर बाइक से या फिर कार से जा सकते हो आप लोग, चल के जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से, 2-3 किलोमीटर मेरे हिसाब से लग रहा है जहाँ तक वो लोकेशन दिख रहा है मुझे। ये देखिए यहाँ का रोड भी ज़्यादा बड़ा साइज का नहीं है, एकदम नॉर्मल साइज का रोड है, यहाँ पर दो गाड़ियाँ नहीं आ सकती, 4-व्हीलर। तो हम लोग बाइक में जा रहे हैं और देख रहे हो कितना नॉर्मली स्पीड चल रहा है, मतलब ज़्यादा स्पीड में जा भी नहीं सकते हम लोग इस रोड में, क्योंकि रोड छोटा है, प्लस इस रोड का जो चढ़ान है ना वो भी देख सकते हो आप लोग, और ख़ास करके ये पहाड़ पे बनी हुई ना ये जगह, इसलिए पहाड़ पे ही रोड बनाया गया है। इस प्लेस में आने के लिए आप लोगों को झारखंड के खूंटी ज़िले से तमाड़ रोड में सैको जगह से घुसना पड़ेगा, तब आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। वैसे बहुत सारे रोड हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने जो बताया वो सही डायरेक्शन होगा। जिनको अच्छा से बाइक राइड नहीं करना आता है और जो यंग लोग होते हैं उनको तो बाइक राइड करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का प्लेस जो देख रहे हो ना, साइड में बहुत ज़्यादा खाई है, आपका एक मिस्टेक आपको गिरा सकता है नीचे। तो देखो गाइस आप लोग अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है, वो जो देख रहे ना मैंने जूम करके दिखाया आपको, अभी बहुत ज़्यादा चढ़ान है और एकदम सीधा वाला, यहाँ से कुछ टर्न लेंगे हम लोग, उसके बाद सीधा वाला चढ़ान मिलेगा जो सबसे डेंजर वहीं पर है, लास्ट पॉइंट। लास्ट वाले चढ़ान को कम्प्लीट करते ही हम लोग को डोमारी बुरू का सीन दिखेगा। ये ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ टूरिस्ट प्लेस भी बन रही है, आप लोग यहाँ पे आके एंजॉय वगैरह सब कुछ कर सकते हो, और जो ऐतिहासिक स्थल रही है उसके बारे में भी जान सकते हो आप लोग यहाँ पे आके। और पहले तो ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे, लेकिन आजकल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। साइड में जो बैठने का दिख रहा है ना, ये सब बहुत ख़तरनाक रोड है यार, अगर अच्छा से आप लोग राइड नहीं कर पाओगे इस सिचुएशन में आपकी गाड़ी बंद हो सकती है, आप लोग गिर सकते हो, इसलिए थोड़ा ध्यान से राइड किया करो इस रोड में, क्योंकि बहुत ही डेंजर है ये रोड। हर कोई तो बाइक नहीं ला पाता है, जैसे यंग लोग होते हैं ना वो तो नहीं लाए, वो लोग गाड़ी छोड़ दिए नीचे में, और कोई कोई कार वाले कोई कोई लेके आते हैं, कोई कार तो अंदर जहाँ पे गेट है ना, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट घुसे थे वहीं पे गाड़ी छोड़ देता है कार, सब यहाँ पे उठाने के लिए वो लोग रिक्शा नहीं लेता है। कि हम लोग पहुँच गए और यहाँ का नज़ारा चेक करो गाइस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है प्लेस। मैं तो यहाँ फर्स्ट बार आ रहा हूँ, आप लोग कितना बार आए हो कमेंट बताना। हवा बहुत चल रही है यार, मतलब ऐसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ चुके हैं ना ज़मीन से पहाड़ के ऊपर, इसलिए हवा कुछ ज़्यादा ही चल रही है यहाँ पे। सबसे पहले नज़ारा देखो साइड का, बाद में चढ़ेंगे हम ऊपर और दिखाएंगे वहाँ से भी सारा व्यूज। ये देखिए पहले ये सब नहीं बना हुआ था, पहले हम वीडियो में देख चुके थे, लेकिन ये बैठने वाला सब बना हुआ नहीं था, साइड का जो रोड भी बना हुआ है वो नहीं था पहले। मेरे जितने भी ऑडियंस आप लोग देख रहे हो इस प्लेस में, आप लोग आके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, प्लस ऐतिहासिक के तौर पे आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हो, वैसे हमारे भगवान जो हैं बिरसा मुंडा उनके बारे में भी कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इस जगह पे, क्योंकि हमारे जो भगवान थे बिरसा मुंडा वो इसी स्थान से अंग्रेजों से लड़ा करते थे। खूंटी वाले तो बहुत जानते ही होंगे इस जगह को, देख सकते हो मैं ये जगह पूरा दिखाऊंगा। देखिए मेरे डेजी पीछे हम लोग सारे पहुँच चुके हैं, और इस जगह को बोलते हैं डोमारी बुरू, और ये छोड़ दिया, चलो रहने दो। तो गाइस मैं तो यहाँ फर्स्ट बार आया हूँ, कौन कौन आ चुके आप लोग कमेंट में जरूर बताओ। यो चेक करो यार, बहुत ज्यादा हवा चल रहा है, मेरा बहुत सब लोगों को पहुंच रही, नहीं पहुंच रही, उस मैनेज कर लो। फिर जाएंगे यार दिल्ली, आज
लेके आए डोमारी बुरु, दिखा दे। ये देख सकते हैं आप लोग, यहीं पे बिरसा मुंडा लड़ाई करते थे अंग्रेजों के साथ। ज्यादा मेरे से ज्यादा डिटेल से ही बता सकते हैं क्योंकि इसका घर लगभग सामने यहाँ से देख सकते, उधर से दिखाइए। देखो वहाँ से पहाड़ों किधर आते थे, यहीं पे छुप छुप के। और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ उनके जो सारे जंगल का व्यू देख सकते हो आप लोग। कमेंट में बताना आप लोगों को ये जगह कैसा लगा, बहुत अच्छा है कि नहीं। फिर अगर आप लोगों को आना हो तो फिर वीडियो को माध्यम से आ सकते हो यहाँ पे। वीडियो से आप लोग पता कर सकते हो कि चारों तरफ कितना घना जंगल है हमारे खोटी एरिया में। और देखो कहीं घर दिख नहीं रहा है और ना ही कोई टाउन दिख रहा है दूर तक, जहाँ तक भी नज़र जा रही है वहाँ तक बस पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। सही है, प्राकृतिक बहुत अच्छा है हमारे खोटी झारखंड में। साइड का भी व्यू दिखा देता हूँ आपको, साइड में और अच्छा व्यू दिखेगा। उधर आगे वाला पहाड़ जो दिख रहा है ना, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है इसलिए शायद मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं सुनाई देगी, तो आप लोग मैनेज कर लेना, नॉइस को इग्नोर करो और मेरी बातों को फोकस करो। आप लोग देखिए इधर का व्यू, ये बहुत बड़ा बना हुआ है यार पत्थर से ये चीज़। मुझे इस प्लेस के बारे में जितना कुछ इंफॉर्मेशन था मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया डिटेल्स में। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाना, और जो जो मेरे चैनल पे आप लोग नए हो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल में। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए सबको बाय।